विषय है किसान आंदोलन और भारत का लोकतांत्रिक भविष्य। किसान आंदोलन इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारी पीढ़ी के युवाओं के सामने यह आंदोलन दो प्रकार से बहुत अहम है, जिसको मैं आंदोलन के बीच में शामिल होकर के भी और खुद लिखने पढ़ने में महसूस कर रहा हूं, वो आपसे साझा कर रहा हूं। सबसे पहली बात, यह किसान आंदोलन हमारी पीढ़ी के युवाओं के बीच, जिस पीढ़ी के युवाओं ने चौधरी चरण सिंह को नहीं देखा, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को नहीं देखा, जिन युवाओं ने चौधरी छोटू राम को नहीं देखा, किसानों की बात करने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबू जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामस्वरूप वर्मा, इन तमाम लोगों का, ललई सिंह यादव, इनको नहीं देखा जाना, उन युवाओं के बीच में यह किसान आंदोलन उनकी आंखों के सामने एक नए बनते हुए इतिहास के रूप में आ रहा है। क्योंकि जिन लोगों का नाम मैंने लिया, इन लोगों को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, हमारी पीढ़ी के लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखा, किताबों में पढ़ा है, जिन्होंने उस दौर का इतिहास देखा है या लिखा है, उस इतिहास के जरिए हमने जाना कि चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी छोटू राम, डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, इन सारे विचारकों की वैचारिकी में किसानों की क्या अहमियत थी, उन्होंने किसानों के लिए क्या लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कैसे वो एक कृषि समाज, कृषि प्रमुख समाज को, कृषि प्रमुख देश को एक बेहतर और मुकम्मल देश बनाना चाहते थे। एक नया लोकतंत्र जो 7 दशक में अब अपने एक नए रूप में सामने आ रहा है, उस लोकतंत्र ने ऐसी तमाम लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तमाम आंदोलन देखे हैं और उन आंदोलनों के आधार पर ही 7 दशक बाद यह देश अब एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जिसके बाद यह तय होगा कि आगे इसका भविष्य क्या होगा। इस लिहाज से मैं इस किसान आंदोलन को जन आंदोलनों की एक पाठशाला के रूप में देख रहा हूं। और दूसरी वजह मेरी इस बात को कहने की यह है कि आप अगर बहुत करीब से पिछले कुछ वर्षों के जन आंदोलनों को देखेंगे तो आप सब इस बात से वाकिफ होंगे कि जन आंदोलन यानी जनता का आंदोलन, इसकी भूमिका किसी लोकतंत्र में क्या होती है, इसे आपको बहुत बारीकी से महसूस होगा। लोकतंत्र की परिभाषा यह है कि जनता अपने वोट से एक सरकार चुनती है और चुनने की प्रक्रिया में यह होती है कि जो विकल्प आपके सामने मौजूद होते हैं, उन विकल्पों में उनके घोषणा पत्र होते हैं, उनकी विचारधाराएं होती हैं, वे ये दावा करते हैं कि अगर उनको सरकार चलाने का मौका मिला तो किसानों के लिए अमुक काम करेंगे, नौजवानों के लिए अमुक काम करेंगे, गरीबी दूर करने के लिए अमुक अमुक योजनाएं लागू करेंगे, महंगाई कम करने के लिए अमुक अमुक काम करेंगे, रोजगार के लिए अमुक नीतियां लागू करेंगे, और उस घोषणा पत्र के आधार पर आप उन्हें वोट देकर सरकार बनवाते हैं। लेकिन जब वे अपने वोट पाने के आधार को छोड़कर सरकार में कुर्सी पा जाने के बाद अगर अपने चुनावी वादे को भूल जाते हैं या उसके विपरीत कोई नियम कानून बनाते हैं, तो जनता सड़क पर उतरकर अपने ही द्वारा चुनी गई सरकार का विरोध करती है। और जब भी लोकतंत्र की इस तरह की कोई परिभाषा या जब भी लोकतंत्र के इस तरह के किसी पाठ पर मैं विश्लेषण करता हूं तो मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बेतरह याद आते हैं।
और डॉक्टर लोहिया का दो कोटेशन, इसे तो अपने घरों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा कर रख लेना चाहिए। पहला, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान बात है। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। और जमहूरियत की एक अपनी नायाब परिभाषा, लोकतंत्र की एक खूबसूरत परिभाषा उन्हीं डॉक्टर लोहिया ने दी है कि जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। हमारा लोकतंत्र टिका किस बेस पर है? हमारा वोट लेकर के अगर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार चुनी गई है तो जनता ने जिसे वोट दिया है वही जनता उस सरकार के ऊपर नजर रखती है कि भाई आपने यह वादा किया था कि आप 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, पेट्रोल डीजल 30-35 रुपए लीटर मिलने लगेगा, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, यानी 70 साल में जो नहीं हुआ वो हम करेंगे, ऐसा अगर आपने वादा किया है, किसानों की आय का दोगुना देंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, उनके अपने सांसद वी शांताराम की रिपोर्ट लागू करेंगे, शांताराम उन्हीं की पार्टी के थे, लेकिन जब जनता ने यह देखा कि आप इसका ठीक विपरीत काम कर रहे हैं और किसानों की लागत दोगुनी करने की बात शांताराम कमेटी की रिपोर्ट हो या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हो वो लागू करने की बात छोड़िए, आप ऐसे 3 कृषि कानून ले आ रहे हैं जो किसानी को पूर्ण रूप से निजी हाथों में छोड़ देगी, तो आज हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल यह सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि आप विचार कीजिएगा कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलने की बजाय 6 साल में 12 करोड़ रोजगार होना चाहिए था, और फिलहाल आंकड़े बता रहे हैं कि 12 करोड़ नौकरियां लोगों की छूट गई, नई नौकरियां खत्म की गई हैं, सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, सरकारी चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इस पर आप विचार करिए। अभी हम लोग का विषय किसान आंदोलन है, 15 लाख मिले या नहीं मिले, हमारे अपने आपके गाँव में कोई स्मार्ट गाँव बना या नहीं बना, स्मार्ट शहर बना या नहीं बना, बुलेट ट्रेन चली या नहीं चली, नए विश्वविद्यालय खोले गए या नहीं खोले गए, नई शिक्षा नीति भी लागू की गई है। मेरा एक आग्रह अब आप सभी श्रोताओं से हमेशा ये रहेगा कि किसान कानूनों के साथ 3 श्रमिक कानूनों और नई शिक्षा नीति 2020 तीनों को जोड़कर जरूर देखिएगा, किसान और नौजवान का सवाल है। तो इन सारे सवालों को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप विश्लेषण करिए। आइए हम लोग बात करते हैं किसान आंदोलन पर। तो मैंने अपने वक्तव्य का एक हिस्सा आपको समझाने की कोशिश की कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जिसे चौधरी चरण सिंह का एक कोटेशन में कोट करना चाहता हूं यहां पे। महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने कहा कि दिल्ली के रास्ते हमारी पगडंडियों से होकर जाते हैं, खेत खलिहान की पगडंडियों से होकर जाते हैं, यानी एक रिश्ता है खेतों का, पगडंडियों का, दिल्ली, यानी दिल्ली कह रहा हूं तो प्रतीकात्मक रूप से वह दिल्ली जहां से सरकारें चलती चलाई जाती हैं। और चौधरी चरण सिंह ने फिर क्या कहा कि किसानों एक पैर खेत में तो एक पैर दिल्ली में रखने की आदत डाल लो। इन सभी कोटेशनों का महत्व मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल, विकास जी ने बिल्कुल वही याद दिलाया, एक पैर खेत में और एक पैर दिल्ली में, इसका मतलब क्या है कि आप दिल्ली के क्यों पैर रखने की बात चौधरी चरण सिंह ने की। उन्होंने कहा कि दिल्ली जहां से नियम बनाए जाते हैं, अगर तुम्हारे खिलाफ नियम बने तो उसके लिए लड़ने की कवायद रखो। चौधरी चरण सिंह कभी हवाई जहाज से नहीं घूमते थे, वो ट्रेन से जाते थे, वो अपनी गाड़ी से जाते थे, किसानों के बीच में रहते थे, महान किसान नेता, उस पर कभी फिर मौका मिला तो बात करेंगे। यहां एक व्यक्ति का और कोटेशन याद दिलाना चाहता हूं, रहबरे आजम रहबरे हिंद के नाम से मशहूर चौधरी सर छोटू राम का, और उससे फिर जुड़ा हुआ एमएसपी और मंडी समिति का एक कानून है जिसे इस कृषि कानूनों के साथ आप जोड़कर पढ़ रहे होंगे, और अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो खोज कर पढ़िएगा। चौधरी छोटू राम रहबरे हिंद रहबरे आजम के नाम से मशहूर थे। 1938 के आसपास उन्होंने मंडियों को, सरकारी मंडियों को एस्टेब्लिश करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, मशहूर किसान नेता।
उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य कही कि किसानों तुम दो काम कर लो, बस तुम्हारी मुक्ति इसी दो काम में है, बोलना सीख लो, जबान अपने भीतर जबान को महसूस करो, बोलना सीख लो और दूसरा दुश्मन पहचान लो। चौधरी छोटू राम का ये प्रसिद्ध वाक्य। तो लोकतंत्र का मतलब डॉक्टर लोहिया से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान, प्रतीकात्मक रूप से हम कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान, उसके जरिए हम नागरिक हैं। तो हमने क्या सीखा, हमारा नागरिक बोध ये कहता है चाहे आप किसी पार्टी की विचारधारा के समर्थक हों या विरोधी हों, इस बात को सीखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसान मजदूर संगठन, भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ भी इन तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है, यानी वो अपना फर्ज निभा रहे हैं भले हम उनकी विचारधारा सहमत नहीं होते। एक नागरिक का कर्तव्य ये होता है चुने हुए लोकतांत्रिक देश में, डॉक्टर लोहिया के उधार लेकर के कहूं तो 5 साल इंतजार नहीं करना होता अगर आप जिंदा कौम है तो, और सड़कें खामोश नहीं होने देती है, देना चाहिए वरना संसद आवारा हो जाती है। अब उस संसद के चरित्र पर देखिए, यानी पहला मूल्यांकन हमें अपना करना है कि क्या हम अपना नागरिक बोध निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। हमारा नागरिक बोध कहता है कि भाई आंख खोलकर देखते रहो, जिसे आपने वोट दिया है वह क्या आपके सामने जो वादा लेकर आया था उसे पलट तो नहीं गया। तो वादा क्या किया था उसने, आय दोगुनी करेंगे किसानों की, दोगुनी आय करना। और जब मैं आय कहता हूं तो बड़ी बारीकी से दोस्तों आप लोगों को यह बात समझनी होगी कि एक जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं तो मुझे बेसिक सैलरी मिलती है, मूल वेतन, मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता जुड़ा होता है, महंगाई भत्ता के साथ टीए डीए जुड़ा होता है, मेरे आने जाने का खर्चा, मेरे तमाम चीजों की सुविधाएं। अगर मैं किसी और अच्छी सरकारी नौकरी में हूं, कथित तौर पर सच्चे अच्छी सरकारी नौकरी में, रहने का आवास मिलेगा, कपड़ा धुलवाने का अलग पैसा मिलेगा, महंगा साल भर में कहीं घूमने जाने का अलग LTC मिलता है। एक किसान को क्या मिलता है, लागत, यानी एक किसान ने अपने खेत में जितनी लागत लगाई उसका 1.5 गुना मांग रहे थे वो लोग, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है। अगले बंदे ने राजनीति में चुनाव लड़ने के वक्त जब उसने ये वादा किया था कि 70 साल में कुछ नहीं होगा, ठीक बात है 70 साल में पेट्रोल 100 रुपए लीटर नहीं था, ठीक बात है 200 रुपए किलो दाल नहीं थी, तमाम चीजें नहीं थी, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा नहीं थी, वो सब 70 साल में हो गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम दोगुना कर देंगे आय। तो उस आय में कभी आपने सोचा है कि किसान के कपड़े लत्ते जो खरीदे जाने हैं वह भी जुड़ता है क्या? किसान का मतलब केवल पुरुष नहीं होता, हम लोग किसान परिवार से, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं और अभी हम लोग पूर्वांचल के किसानों पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे यहां पता है कि वहां मंडियां नहीं है, पूर्वांचल में मंडियां बहुत नाम मात्र की बची हुई हैं, पूरा का पूरा परिवार वहां पर खेती में लगा होता है। तो बच्चों की मेहनत, जो महिलाएं हैं घर की, केवल पुरुष किसान नहीं होता। मैं तो एक बात और दावे से कहता हूं कि हमारे यहां महिलाएं ज्यादा मेहनत करती हैं, घर के काम से लेकर खेती के हर काम में महिला सबसे आगे खड़ी होती। तो महिला के श्रम का मूल्य कहां गया, उन दो उस पूरे परिवार का, अगर वो पूरा परिवार उस खेती में लगा है तो वो जो कृषि का लागत मूल्य है क्या उसमें श्रम के अतिरिक्त उस किसान की बाकी सुविधाएं जोड़ी गई, क्या वेतन भत्ता उसके साथ साथ मूल वेतन के साथ जैसे हमारे यहाँ महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है तो उनके हर साल हमारे यहाँ इंक्रीमेंट होता है, सरकारी नौकरी में किसान का इंक्रीमेंट होता है क्या? अभी मैं गन्ने के मूल्य के हिसाब से आपको एक कुछ आंकड़े बताऊंगा, तो ये मेरे प्रश्न है जिस पर विचार करने की जरूरत है। तो किसान के श्रम का ही मूल्य आप नहीं दे पा रहे हैं, तो किसान उसके अलावा सब कुछ झोंक देता है अपने किसानी में, तो जो लागत मूल्य उसने किसानी में लगाया आपने वही उसे वापस नहीं दिया, आप 1.5 गुना और 2 गुना की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मंडियां चौपट हो गई, क्योंकि पूर्वांचल में जहां से मैं आता हूं हमारी तरफ जोत खेत के आकार, जोत जिसे कहते हैं, वो छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े आकार के नहीं है, इसलिए वहां पर पैदावार सरप्लस बहुत कम होती है। सरप्लस का मतलब यह हुआ कि अपने उपभोग से ज्यादा पैदा करना, जिसे वो बेच करके अपना पूरा काम चलाते हो, तो वो बहुत थोड़ा होता है। और बहुत थोड़े से सरप्लस यानी अधिशेष, जैसे आप कह लीजिए, मान लीजिए एक परिवार के
पूरे साल का राशन है 10 क्विंटल गेहूं का, तो बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके, अगर जोत कम है, खेत कम है, वहां पर तमाम तरह की मुश्किलें हैं, तो वो 10 क्विंटल की बजाय 15 क्विंटल गेहूं पैदा किया, तो 5 क्विंटल गेहूं उसका बच गया। उस 5 क्विंटल गेहूं को बेचेगा और फिर वो अपने पूरे साल की कमाई में उसका उपयोग करेगा खर्चे में। ऐसे ही वो बाकी फसलों पर, सब्जी पर हो, धान पर हो या गन्ने पर हो, तमाम फसलों पर वो लागत का जो सरप्लस होता है, जो ज्यादा पैदा करता है, उसको वो बेच करके अपना परिवार चलाता है, छोटे से बच्चे को पढ़ने स्कूल भेजता है। वह किसान माएँ और महिलाएं अपने परिवार का सारा रिश्तेदारी से लेकर जगह जगह रिश्तेदारी, शादी विवाह, कहीं आना जाना, तब तीज त्योहार सब में वो उसका वो बैलेंस करती हैं पूरे परिवार को। तो उस सरप्लस में इतना ज्यादा नहीं है कि वो मंडी तक जाए, इसलिए वहां पर देसी आधार पर वो लोग खरीद लेते हैं। इसलिए पूर्वांचल में MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह बहुत ज्यादा लागू नहीं हो पाता है। मान लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का आसान भाषा में मैं कहूं तो, जैसे मान लीजिए कि गन्ना है, उस गन्ने से ही लेकर के हम बात करते हैं, 280 रुपए कुंटल सरकार ने मान लीजिए तय कर दिया कि गन्ना 280 रुपए कुंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, यानी 280 रुपए कुंटल से कम में गन्ना नहीं बिकेगा। अगर किसान का गन्ना 280 रुपए कुंटल के कम में बिक रहा है तो उसे सरकार खरीद लेगी, और सरकार कहां से खरीदेगी, तो सरकारी मंडी होती है, तो सरकारी मंडी से ही सरकार खरीदेगी। और फिर सरकार अपने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में, लोकतांत्रिक देश होने के नाते, जिनके जेब में पैसे कम हैं, जो गरीब हैं, कमजोर हैं, वंचित हैं, मजलूम हैं, उनको खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पैसे अनाज देती है ताकि उनको भी पेट भर सके। लोकतांत्रिक देश का मतलब ही है अमीरों पर टैक्स लगाया जाए ताकि गरीबों का पेट भर सके, एक संतुलन का समाज बनाया जा सके। डॉक्टर लोहिया यहां फिर से मुझे याद आते हैं, डॉक्टर लोहिया ने कहा कि एक सबसे अमीर और सबसे गरीब के बीच 1:10 का अनुपात ही होना चाहिए। अगर गरीब की जेब में 1 रुपया है तो इस देश के सबसे अमीर की जेब में केवल 10 रुपए होने चाहिए। आप सोचिए कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने क्या ख्वाब देखा और हम कहां पहुंचा रहे हैं। कोविड काल में अंबानी और अडानी का आय 100 लगभग 150 गुना फिर से बढ़ जाती है। जिस समय नौकरियां चली गई, जिस समय लोगों की सैलरी आधी हो गई, जिस समय लोग पैदल गांव जाने को मजबूर हुए, गांव उजड़ गए, लोगों के पास खाने को नहीं था, और उद्योगपतियों की आय 100 गुना बढ़ रही है। ये है इस देश में विषमता। जवाहरलाल नेहरू को संबोधित करते हुए डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि एक प्रधानमंत्री, गरीब देश का प्रधानमंत्री, अपने दैनिक खर्चे में 25,000 रुपए खर्च कर रहा है। इसलिए डॉक्टर लोहिया ने चौखंबा राज्य की उधारणा दी थी। चूंकि समाजवादी पाठशाला है, आप सभी समाजवादी साथियों से मेरी अपील रहेगी कि आप बार बार डॉक्टर लोहिया के इन सारे चीजों को पढ़िए। बिना चौखंबा शासन व्यवस्था के सप्त क्रांति की तरफ कहां आप जा पाएंगे। तो किसानी ये है। पूर्वांचल के किसान को जब मैं याद करता हूं, मेरे अपने अपने जहन में पूर्वांचल के लोग जब याद आते हैं तो मेरे अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग याद आते हैं। किसी तरह से एक जोड़ी बैल सामने बंधा हुआ था, एक गाय एक भैंस होती थी, जिसे दूध दूह करके वो पेट भरते थे, और भोर में उठ करके वो बैल नाथ करके जाते थे खेत में, अधिया पर खेत लिया, बटाई पर खेत लिया, ताकि वो अगर 10 कुंटल गेहूं की खपत है पूरे साल की तो 20 कुंटल पैदा कर सके, 5 कुंटल अधिया वाले को वापस कर दिया, 5 कुंटल जो है बेच दिया, तो पूरे साल का खर्चा निकलता था। हमारे पुरखों ने इस खेत की जमीन को, बंजर जमीन को जोत करके उपजाऊ बनाया, और आज आप देखेंगे कि परिवार बढ़ता चला गया, बंटवारा होता चला गया, जमीन तो उतनी ही है, तो जमीन में जोत छोटी होती चली गई। तो कृषि पर जो निर्भरता थी, कृषि प्रधान देश होने की जो बात थी, वो सब कम होती चली गई। तो वहां इसलिए MSP नहीं है, और MSP पूरे देश में 6% लोगों को मिलता है। तो जहां मंडियां बची हैं, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य बचा है, वहां उसका विरोध सबसे ज्यादा हुआ। जहां के किसान सबसे ज्यादा सक्षम थे, उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया। हमारे पूर्वांचल के किसान सक्षम नहीं है, वहां जोत छोटी है, मंडियां बर्बाद कर दी गई हैं, सरप्लस इतना ज्यादा नहीं है कि परिवार की खपत से ज्यादा लेकर के वो बाहर जाएंगे। तो आप अपने कृषि कानून में क्या झूठ फैला रहे हैं कि हमने ओपन मार्केट दे दी,
मेरे आजमगढ़ के एक गांव का व्यक्ति क्या अपने अपने सरप्लस 5 क्विंटल गेहूं को बेचने के लिए वो लखनऊ तो जा नहीं पाएगा, वो क्या लखीमपुर खीरी जा नहीं पाएगा, वो क्या हरियाणा बेचने जाएगा, तो फिर से वहां कोई मंडी में बीच में आ गया। तो ये झूठ फैलाया जा रहा है कि हमने कृषि कानूनों के जरिए ओपन मार्केट दे दी। वो ओपन मार्केट पहले से थी, एमएसपी केवल 2 फसलों पर मिल रहा है, गेहूं और चावल पर मिल रहा है, बाकी जगहों पर एमएसपी मिल भी नहीं रहा है। यूपी में गन्ने को लेकर के थोड़ा है। ये जो छोटी होना, मंडियों का बर्बाद होना, सरप्लस का कम होना, इसलिए आप देखेंगे पूर्वांचल की स्थिति कमोबेश वही है जो बिहार की है। बिहार में क्या किया गया था, बिहार में नीतीश सरकार ने 2006 में मंडी कानूनों को ही खत्म कर दिया, मंडियां खत्म हो गई, सरकारी मंडियां। और आज आलम यह कि बिहार के जो किसान थे वो हरियाणा और पंजाब में मजदूर बनने पर मजबूर हैं, किसान मजदूर बनने पर मजबूर है। यह हमारे लोकतांत्रिक देश का भविष्य है। यही हाल पूर्वांचल में है, जहां से मैं आता हूं। आप तमाम साथी पूर्वांचल से जुड़े हुए होंगे, आपको क्या नहीं लगता कि कोई भी पूर्वांचल का व्यक्ति अपने बेटे बेटियों को किसान बनने का ख्वाब नहीं देखता? उसकी जेब में अगर 1 रुपये भी बचता है ना, तो अपने घर के सबसे छोटे बेटा या बेटी को पढ़ने भेजता है कि अगर वो शिक्षा पा जाएगा या शिक्षा पा जाएगी तो उसका भविष्य बदल जाएगा, क्योंकि वो किसानी को बर्बाद होता हुआ देख रहा है। जो छोटी हो गई, एमएसपी नहीं है, सरप्लस नहीं है, और इसलिए वहां पर कोई मंडी समिति नहीं है। और पश्चिम में जबकि है, जोत बड़ी है, तमाम चीजें, इसलिए है। अब इसका उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं। एक छोटा सा आंकड़ा है, वो पूर्वांचल पर आंकड़ा है, मैंने इसे खोजा है। जब मुझे आज यहां अपनी बात रखनी थी तो मैंने ये आंकड़ा खोज करके आपके लिए जुटाया है। बड़ी बारीकी से समझिए, एक फसल का जिक्र करूंगा, गन्ना का। और मैं जिस आजमगढ़ से आता हूं, वहां एक चीनी मिल हुआ करती थी, 1976 के आसपास उसका पुनरुद्धार हुआ था, फिर उसके बाद लंबे वक्त तक चलते चलते बचपन में हमने देखा था कि हमारे गांव तक जो चीनी मिल से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है, सुबह हो रात हो लाइन लगी रहती थी ट्रैक्टर ट्राली ट्रक की, उस पर गन्ने लदे होते थे, लोग कई कई दिन तक इंतजार करते थे, इतना पैदावार होता था। और गन्ना एक व्यावसायिक फसल की तरह माना जाता है, गन्ना व्यावसायिक फसल की तरह से माना जाता है। उसको बेचते हैं आप तो उसका मूल्य मिलता है, और उस मूल्य से किसान अपनी शादी ब्याह, दवाई, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, सब ये सब काम किया जाता था। और देखते देखते वो चीनी मिल बर्बाद हुई। पिछली बार जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश में, इसके पहले जो समाजवादी सरकार थी, उसमें उसका फिर से पीपीपी मॉडल पर उसका पुनरुद्धार किया गया, लेकिन और उसमें 2-3 प्लांट और खोले गए। सठियाओं चीनी मिल की बात कर रहा हूं। तो जो बचपन की स्मृतियां हैं मेरी, गन्ने की लहलाती फसलें, हम लोग सुबह उठ करके जाते थे सब साथ में कि वो गन्ने के ऊपर जो गेड़ा हम लोग की तरफ कहते हैं, वो जो हरी पत्तियां होती थी, वो जानवर को खिलाने के लिए लाई जाती थी, तो पूरा गन्ना छील करके उनके ट्रक में या ट्रैक्टर में लदवाते थे ताकि हमारे भैंस के लिए गाय के लिए चारा मिलता था। वो पूरा कल्चर ही हमारी स्मृतियों से खत्म हो गया। अब चीजें क्यों इतनी बिगड़ती जा रही है, क्योंकि गन्ने की फसल कम हो गई। अब उसका उदाहरण देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं साथियों, देखिएगा। बस्ती से पूरा बेल्ट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू करके पूरे पूर्वांचल तक जाता है, उसे गन्ना बेल्ट कहते हैं। और गन्ने का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में 3 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। मैं अपने जिले आजमगढ़ का आंकड़ा आपको दे रहा हूं, 18 से 19 हजार हेक्टेयर में गन्ने की बुआई होती थी, 2012-13 में वो घट करके 14,000 हेक्टेयर हो गई, 2016-17 में घट करके वो 5,000 हेक्टेयर हो गई। जो व्यावसायिक फसल थी, जो पेट भरने की बजाय गुड़ भेली बनाने के से जो बच गया, उसको किसान बेचता था ताकि उसको कुछ मिलता था, तो पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, इन सब में खर्च करता था, नात रिश्तेदारी, इन सारी चीजों के लिए पैसे ही नहीं। और इस समय सरकार ने क्या किया है, 280 रुपए क्विंटल एमएसपी माना है, जो 3 साल से बढ़ा नहीं है। क्या 3 साल में महंगाई नहीं बढ़ी? पेट्रोल की कीमत इस समय 100 रुपए हो गई, जिन्होंने कहा था कि पेट्रोल आधे दाम पर होगा, पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता मिलता है, कहां गई केंद्र सरकार? तो एक नागरिक बोध अगर आप में जिंदा होगा तो आप विचार जरूर करेंगे कि महंगाई बढ़ रही है कि नहीं। अगर महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो किसान के ये गन्ना मूल्य 3 साल से आपने क्यों नहीं बढ़ाया? अब अगला आंकड़ा देखिए, अभी ताजा
एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, 18 फरवरी 2021 की ये रिपोर्ट है कि 212 करोड़ रुपए बकाया जिन चार चीनी मिलों पर था, पूर्वांचल की वो चार चीनी मिलें बंद हो गईं। और वो कौन कौन सी चीनी मिल है? महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बस्ती, इन चार जिलों की चीनी मिल जिन पर 212 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है, वो चीनी मिलें बंद हो गई। जो इकोनॉमी काम कैसे करती, देखिए आसान भाषा में समझा रहा हूं, पैसा अगर है, मान लीजिए कांशीराम, मान्यवर कांशीराम की भाषा में बात करें, कांशीराम जब भी किसी भाषण में जाते थे तो कलम लेकर जाते थे और कलम को ऐसे कहते थे कि देखो सत्ता पर यहाँ कुछ लोग बैठे हैं और आप नीचे हो और आप पर शासन कर रहे हैं, आप वंचित शोषित किसान मजदूर कामगार नौजवान ये सारे लोग, दलित पिछड़े आदिवासी, सत्ता का चरित्र हमें बदल के ऐसे करना है तब जाकर के लोकतंत्र व्यवस्थित होगा, हमें इस भाषा में समझिए। पैसा अगर ऊपर कुछ लोगों तक सीमित रहेगा तो पूरी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी, क्योंकि पैसा रोटेट नहीं हो रहा है, यह पैसा यहां से चलकर सबसे गरीब आदमी तक पहुंचे और यहां से जब वो खरीदे कोई सामान फिर वापस यहां पहुंचे, तो इकोनॉमी साइकिल में चलती है। आप खुद सोचिए, आपके गांव में अगर प्रधान के पास 1 करोड़ रुपया हो जाए और उस गांव में बाकी लोगों के जेब में 1-1 हजार रुपया भी ना हो, उस गांव का कोई वैल्यू है? हमारे आज आपके गांव में क्या हो रहा है? एक पैसा एक जगह पर संकेंद्रित हो रहा है, इसलिए इकोनॉमी को रोटेट करना बहुत जरूरी है। तो गन्ना या व्यावसायिक फसलें पूरे इकोनॉमी को रोटेट कराती थी और तब आपका पैसा अगर वहां पर लगा है, पैसा मिलता है, तो पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। आप लोगों ने किसानों के इतने एक फसल का बात बता रहा हूं, 212 करोड़ रुपए केवल चार चीनी मिल के बकाया नहीं चुकाया और उसे बंद कर दिया चीनी मिल, यानी अब वो बकाया मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये उत्तर प्रदेश सरकार कभी नहीं बताती। और क्या खेल किया उत्तर प्रदेश सरकार ने? शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966, किसी प्रधान देश था, यदेश चौधरी, चरण सिंह चौधरी, छोटू राम, डॉक्टर लोहिया, तमाम उन लोगों का था जिन्होंने किसानी की बात की। जब भी किसानी की बात आती है तो मुझे एक नायक बहुत याद आता है और आप लोगों से विनती है थोड़ा पढ़ाई करिएगा, ज्योतिबा फूले को पढ़िएगा, उन्होंने किसान का कोड़ा एक किताब लिखी, हिंदी में मिल जाएगी, हर जगह पढ़ना चाहिए किसान का कोड़ा। इस देश को बनाने वाली, इस देश को खड़ा करने वाली जातियां कौन सी हैं, जो किसान कामगार मजदूर श्रमिक वंचित तबके की हैं, जिन्होंने मेहनत से इस देश को बनाया और आज चंद पूंजीपतियों के हाथों सब कुछ बेचने वाले दरअसल राष्ट्र दो ही हैं, इस बात को कहने का आत्मविश्वास लाना होगा हमें। संविधान ने, एक लोकतांत्रिक देश ने हमें आत्मविश्वास दिया है और कम से कम पिछड़े तबके के लोगों को याद रखना चाहिए। घर से रामायण, रामचरितमानस और गीता बाइबिल के लिए कुछ देर के लिए किनारे रखिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए। संविधान ने जबान दी और मंडल कमीशन ने आंख में आंख डाल करके सच बोलने की हिम्मत, और आप तब देखेंगे कि किसानी ही नहीं चौपट हो रही है, हमारा भविष्य चौपट हो रहा है, लोकतंत्र का भविष्य चौपट हो रहा है। क्या क्या नियम बनवाया था, लड़ करके 350 बार चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जेल गए, डॉक्टर लोहिया जब भारत आजाद हुआ तो डॉक्टर लोहिया किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, इसके लिए दिल्ली में रैली कर रहे थे और अपनी चुनी हुई सरकार के सामने जेल में गए थे। ऐसे ऐसे देश बना था। तो उस समय क्या नियम बना, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966, और इसमें क्या कहा गया, गन्ना उत्तर प्रदेश का किसानों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन है तो 14 दिन के भीतर भुगतान होना जरूरी है, और अगर 14 दिन के भीतर बकाया भुगतान गन्ने का नहीं होगा तो 15% वार्षिक ब्याज की दर से सरकार किसान को उस बकाए का देगी, यानी 100 रुपया अगर उस किसान का बकाया है किसी चीनी मिल में तो एक साल का 15 रुपया जोड़कर उसे 115 रुपया दी जाएगा। 3 साल से किसानों का गन्ने का मूल्य ही नहीं चुकाया गया और 212 करोड़ रुपए वाली चार बकाया वाली चार चीनी मिलें बंद हो गई। ब्याज की छोड़िए साहब, मूलधन तक खत्म हो गया है, हम उस दौर में हैं। फिर से और एक चीज सोचिए, संकट क्या आ रहा है किसानी में, पूर्वांचल पर फोकस कर रहा हूं अभी दोस्तों, पूर्वांचल में भी एक फसल गन्ने की, अभी मैं बात करूंगा सब्जियों की तो कैसे टमाटर 3 रुपए किलो 5 रुपए किलो आपके चौटी चौराहे पर बिकता है, फसल में गोभी का टमाटर का रेट 1 रुपया किलो गोभी, 3 रुपया किलो टमाटर, किसान उसे बर्बाद कर देता है, भंटा और जो है तो हरी सब्जियां जो तुरंत खराब हो जाती हैं,
पूर्वांचल के लोगों विचार करिए, अगर मंडी होती, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती, तो मंडियों से अभी सड़कें बनाई थी पूर्वांचल योजना, और मैं सुन रहा था अखिलेश यादव जी को, उनके पास एक ख्वाब था कि हाँ भाई ये सड़कों की चेन बनाएंगे, तमाम एक्सप्रेसवे बनाएंगे और उस एक्सप्रेसवे के पास मंडियां बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, 3 रुपए किलो टमाटर जो है जब वो मंडी तक किसान ले जाएगा, हरी सब्जी ले जाएगा, गोभी ले जाएगा, तमाम चीजें ले जाएगा, तो उस चेन के जरिए वो उसे पहुंचाएगा बड़ी मंडी तक, और फिर वह उसका जो शहर में, आज मैं दिल्ली में बैठा हूं, इसको एग्जाम्पल समझिए, मैं 30 रुपया किलो से 50 रुपया किलो टमाटर खरीद रहा हूं और किसान को कितना मिला, 3 रुपए से 5 रुपया। कहीं दुनिया में कोई ऐसी अर्थव्यवस्था आपने देखी है जिसने पैदा किया उसे 3 रुपया मिल रहा है और हम आखिरी उपभोक्ता है उसे 30 रुपया में खरीद रहा है? यह 27 रुपए का गैप कौन कमा रहा है? ये वही छोटे लोग कमा रहे थे जो अब अंबानी और अडानी कमाए, इसके लिए 3 कृषक कानून लाए गए हैं। अब फिर से उस किसान वाली बात को देखिएगा, उसमें क्या होता है, फसल चौपट हो जाए, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, यानी ज्यादा बारिश हो जाए, कम बारिश हो जाए, तो इन सारी चीजों के समय क्या हो गया, रेड रॉट यानी ललका कैंसर से लेकर के तमाम ये भारी बारिश गन्ने की फसल को कमजोर किए, खेत कमजोर होने लगे, और दूसरी तरफ क्या हुआ कि गन्ने का पैदावार घटती गई और चीनी मिलें बंद होती गई। कहां तो नई चीनी मिल खोलना था, मान लीजिए 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, आप 70 चीनी मिल खोल देते पूर्वांचल में और गन्ने की फसल पैदावार बढ़ जाती। आज लोगों ने गन्ना बोना छोड़ दिया। हमारे यहाँ भोजपुर में एक कहावत चलती है, जेठ में जरे अगान में ठहरे ऐसन खेती उफर पर है। मैंने थोड़ा भोजपुरी में उसको बदल के कहा है, जेठ में जरे, गर्मी में जल करके वो खेती होती थी, और अगान में ठहरे, एकदम ठंड में उसको काटते थे। क्यों? क्योंकि वो व्यावसायिक फसल थी। तो गन्ने को अगर आधार बना लो तो पूर्वांचल के सारे साथियों आप समझ जाओगे कि आपकी खेतियां कैसे बर्बाद हो गई। 14 फरवरी 2021 को यूपी सरकार ने, यूपी कैबिनेट में ये किसान आंदोलन चल रहा है और उन्होंने, यूपी कैबिनेट ने फैसला लिया कि गन्ने का पुराना रेट कायम रहेगा, रेट नहीं बढ़ाएंगे। इतना निर्लज्ज, इस तरह की कोई किसान हितैषी सरकार हो सकती है क्या? यह मठाधीश अजय सिंह बिष्ट के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जहां किस तरह उन्नाव हाथरस में बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, जहां युवाओं पर अत्याचार हो रहा है, ठोको की नीच चल रही है, फेक इनकाउंटर हो रहा है, राम मंदिर के नाम पर चंदा जुटाया जा रहा है, यह सब देखिए, आपका नागरिक बोध अगर जाग रहा है तो इन चीजों पर विचार करिए। मैं चूंकि आज आया हूं किसानों पर बात करने, तो यह सवाल मेरा है कि 14 फरवरी 2021 को यूपी कैबिनेट, जिस समय इस देश का अभूतपूर्व किसान आंदोलन चल रहा है, यूपी कैबिनेट यह सब निर्णय लेती है कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ाएंगे, और क्या करती है यूपी सरकार, 120 चीनी मिले हैं, उसका डेटा कहता है 13 फरवरी तक 6,113.87 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई, 629.31 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ यूपी में, 8,164 करोड़ रुपए भुगतान हुए, और इस वेबसाइट से बकाया गन्ने का कितना है इसको हटा दिया गया। पिछले साल तक उत्तर प्रदेश में जो फूड कॉरपोरेशन का उनका आधिकारिक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो कितना भुगतान किया गया और कितना बकाया है, ये दोनों आंकड़े दिए जाते थे, और इस समय उत्तर प्रदेश में बकाया को कहीं हटा दिया गया। जैसे आपको पता है 2016 के पहले तक NSSO आंकड़े जुटाता था कि इस देश में बेरोजगारों की संख्या कितनी है, अब वो आंकड़े जुटाना ही बंद कर दिया कोविड काल में। जैसे बाबा अजय सिंह बिष्ट ने हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं तो लोगों को कहता हूं कि कहावत चलती है, सम स्टडी सम कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अगर इसको हिंदी तर्जुमा कर दे तो बाबा अजय सिंह बिष्ट ने क्या किया, सम टेस्टिंग सम कोरोना, मोर टेस्टिंग मोर कोरोना, तो उन्होंने क्या अपनाया, नो टेस्टिंग नो कोरोना। तो कोरोना की आड़ में किस तरह से उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ ये आपको पता है, हर जगह चौराहों पर रोक लिया गया, ट्रैक्टर है, 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया ये ठोको नीति वाले फेक मठाधीश ने, जो किसान जा रहे हैं आंदोलन में, अरे किसानी से इस देश का वजूद है, तो ये चीज आप कहां कर रहे हो, तुम किसानों के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक रहे हो और अभी क्या कर रहे हो कि इतना पैसा बकाया है, गन्ने का रेट 3 साल में नहीं बढ़ेगा और जितना पैसा बकाया है वो 3 साल का मिलेगा भी नहीं, किसके लिए वो प्रदेश है, कैसा राम राज्य है, कौन है वो लोग जो इस राम राज्य में खुश हैं।
किसानी इस देश की बुनियाद है, हम भले आज किसान नहीं है, हमारी जड़ें किसानी में। तो ये एक चीज जो है ये हटा दिया, वेबसाइट से हटा दिया, नो आंकड़ा। अब आप आंकड़ा नहीं है तो राम मंदिर बनाने पर खुश रहिए, मैं इसका घोर विरोधी हूं। जिस समय इस दुनिया, इस देश में नए विश्वविद्यालयों की इमारत बनाई जाने थी, कभी इस जमाने में लोग चंदा जुटाते थे कि विश्वविद्यालय बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, पुस्तकालय बनाएंगे, वहां मंदिर बनाने के लिए चंदा जुटाया जा रहा है, और दलित पिछड़े आदिवासी लोग चंदा देकर के खुश है। खुश होइए, लेकिन विचार करिएगा, नई शिक्षा नीति में 15,000 स्कूलों को बंद किया जाएगा और 45,000 डिग्री कॉलेज को कम करके 12,000 से 14,000 डिग्री कॉलेज किए जाएंगे। बाकी डिग्री कॉलेज या तो बंद किए जाएंगे या किसानों की तरह अंबानी और अडानी के हाथों में बेचे जाएंगे। तो ये तीनों कृषि कानून, जो मंडी बंद करो, मंडी आपके यहां नहीं है, आप सोचिए कि अगर आपके यहां मंडी होती तो कितना बड़ा काम होता। टमाटर जो 3 रुपया किलो आप खरीदे बेचे, गोभी 1 रुपया किलो बेचे, अगर मैं जानता हूं मेरे जिले में अगर एक मंडी हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन, जैसे सड़कें जो बन रही थी, वो सड़कें की चेन अगर समाजवादी सरकार में जो बन रही थी वो चेन बन जाए, तो वो 3 रुपए की बजाय 13 रुपए उसको मिलेगा किसान को। तो वो किसानी आपने चौपट की, और किसानी में सबसे ज्यादा किसके परिवार है, इस देश की कमेरा जाति के। चौधरी छोटू राम के शब्दों में कहूं तो ये जंग कमेरा बनाम लुटेरा की है। ये सारे लोग जो मठाधीश हैं, ये प्रतीक हैं किसके, जिन्होंने इनको चुनाव देकर जितवाया है, जो रोज आपको व्हाट्सएप में भेज देते हैं मंदिर बनेगा तो ये होगा, मुसलमान की संख्या बढ़ रही है, तुम्हारा दुश्मन कौन है, मुसलमान, तुम पिछड़े हो तो तुम्हारा दुश्मन ये है, तुम दलित हो तो तुम्हारा दुश्मन ये है। अरे भाई, सबका दुश्मन कौन? निजीकरण। सबका दुश्मन कौन? जो लोकतंत्र के भविष्य पर खतरा बना हुआ है। तो ये मंडी तोड़ो MSP छोड़ो कानून है। हमारे यहां मंडियां खत्म हो गई, पूर्वांचल की खेती बाड़ी चौपट हो गई है। इसको गन्ने से आप अगर आपने समझा है तो देखिए कि चीनी मिलें बंद हो रही हैं, जैसे आपके बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं ना, विश्वविद्यालय बंद हो, पूरे पूर्वांचल में कौन विश्वविद्यालय बचा हुआ है? विश्वविद्यालयों की इमारत खत्म की जा रही है, तोड़ी जा रही है, और वहां मंदिर बनाए जा रहे हैं। यही अब आपके आपके भविष्य बच्चों का, ये कहां विश्वविद्यालय बनते, स्कूल बनते, मंडियां होती तो 3 रुपए टमाटर नहीं बिकता, 1 रुपए गोभी नहीं बिकती, वो गोभी हम 20 रुपए किलो खरीद रहे हैं, किसान को 1 रुपया। ये मंडी खत्म होने की वजह से हुआ। तो जो किसान लड़ रहे हैं वो मंडी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो किसान लड़ रहे हैं वो MSP बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और जो किसान लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि कारपोरेट खेती हम नहीं होने देंगे। कल्पना करिए, एक रिलायंस का एक उद्योग आएगा, वो कहेगा कि इस खेत को हम लीज पर तुमको दे रहे हैं, मेरे मुताबिक खेत में अनाज पैदा करो, हम तुमको 20 रुपए क्विंटल देंगे मान लीजिए, और सरकारी मंडी एक तरफ है तो प्राइवेट मंडी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सरकारी मंडी पर टैक्स लगेगा, तो पहले कौन जाएगा जहां टैक्स नहीं लगेगा, प्राइवेट मंडी अपने। इसको इस आसान भाषा में समझिए, क्या सरकारी स्कूलों को खत्म करने के लिए, सरकारी अस्पतालों को बंद करने के लिए कोई फरमान आया था, कोई सरकारी आदेश आया? नहीं आया। उसके बराबर में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट विश्वविद्यालय, प्राइवेट हॉस्पिटल खड़े कर दिए गए, सरकारी को पैसा देना कम कर दिया, प्राइवेट में पैसा अकूत लगता गया, क्योंकि वो काला धन से जो पैसा बनाया है, काला धन से डिग्री कॉलेज खोला है, काला धन से प्राइवेट हॉस्पिटल खोला है, उसने चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी उसको दिया, तो अपने आप सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बर्बाद हो गए, वैसे ही सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। और तब क्या करेंगे, कारपोरेट खेती का जो दूसरा कानून है, उस कानून के जरिए आपसे कहेंगे आप ये फसल पैदा करो, जब खरीदने की बारी आएगी, मंडी आपके यहां होगी नहीं, तो आपकी फसल को कहेंगे कि आलू आपका मीठा है, आपका धान पतला है, आपका गन्ना गन्ने में रस कम है, खारा है, आपका जो है गेहूं पाला मारा हुआ है, आपके आलू में कोई दम नहीं है, तो 10 रुपया किलो जो हम खरीदने का वादा किए थे वो वादा पूरा नहीं करेंगे, 5 रुपया किलो देना है तो दो, नहीं तो जाओ। और जब वो बकाया पूरा नहीं करेगा, जब वो 5 साल तक अगर अब वह किसान चुका नहीं पाएगा उसको जो फसल का वादा हुआ है, तो वो खेत किसका हो गया? उस कारपोरेट का हो गया। तो खेती बिक जाएगी, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। और तीसरा कानून जो है वह कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन कानून। आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जिसको कोई भंडारण नहीं कर सकता, काला बाजारी जिसको कहते हैं। इस कानून में क्या कर दिया गया पता है? इस कानून में यह संशोधन कर दिया गया है कि युद्ध और आपात स्थिति छोड़ करके किसी भी फसल का, किसी भी अनाज का असीमित भंडारण कोई भी कर सकता है।
तो हमारे आपके घर में कोठिला बना होता था, मिट्टी का कोठिला होता था जिसमें थोड़ा बच जाता था खाने पीने से, तो संभाल कर गेहूं रखा जाता था कि घुन न लग जाए, संभाल कर आलू रख दिया जाता था धूप में कि धूप लगती रहे सड़े न। ज्यादा जिस दिन हो जाता था रखने की जगह नहीं होती थी, तो भंडारण कौन करेगा ज्यादा फसल पैदा होने पर? जिसके पास बड़े बड़े गोदाम होंगे, और वो गोदाम इस कृषि कानून आने के पहले ही अंबानी और अडानी ने इस देश के कम से कम दर्जन भर राज्यों में बनाना शुरू कर दिया है, प्राइवेट ट्रेन बनानी शुरू कर दिए। तो भंडारण कौन करेगा? वही अंबानी अडानी जो आपका खेत खरीद रहे हैं, जो मंडी खत्म होने की वजह से प्राइवेट मंडी ले आएंगे। तो जब भंडारण होने लगेगा तो महंगाई और कालाबाजारी दोनों एक साथ आएगी, और वो किसके ऊपर आएगी? केवल किसानों के ऊपर नहीं, आम नागरिक के ऊपर आएगी, और असल में वो लोकतंत्र के भविष्य पर आएगी। तो मेरा कहना यह है दोस्तों, शायद मैं थोड़ा तेज बोल गया, विषय बहुत बड़ा है, इस देश का भविष्य किसानी पर टिका है। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार जब थी तो वो नारा लगाते थे कि दवा पढ़ाई सस्ती हो और सिंचाई पढ़ाई मुफ्ती हो। तो सिंचाई दवाई पढ़ाई निःशुल्क होनी चाहिए, यह है समाजवाद। और मैं तो कहता हूं इस दुनिया का एक खूबसूरत विचार का नाम है समाजवाद। और समाजवादी ई पाठशाला में जब आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है तो मैं जाते आते आपसे निवेदन कर रहा हूं, डॉक्टर लोहिया की इतिहास चक्र हिंदू बनाम हिंदू, डॉक्टर चौधरी चरण सिंह की किसान आंदोलन पर किताब है, उनके डॉक्टर लोहिया के शिष्य हुआ करते थे किशन पटनायक, किशन पटनायक की किताब है, फिर कभी अगर मिलेंगे तो हम किताबों की सूची आपको देंगे। किसान आंदोलन पर किशन पटनायक की किताब है, चौधरी छोटू राम के बारे में पढ़िए, रामस्वरूप वर्मा ललई सिंह यादव के बारे में पढ़िए, ये जगदेव बाबू के बारे में पढ़िए, और तब ये सोचिए कि ये तीनों कृषक कानून और इनके खिलाफ चल रहा आंदोलन, मजदूर तो इतने कमजोर हैं कि मजदूरों के खिलाफ तीन कानून लाए गए उसका विरोध ही नहीं हो पा रहा। नई शिक्षा नीति में मंदिर खुल गए विश्वविद्यालय बंद हैं, ऐसा कैसा देश है भाई? तो विश्वविद्यालयों से ही सारा कोरोना आता है, क्यों? क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, कहीं छात्र शिक्षक नौजवान बेरोजगार नौजवान किसानों के साथ खड़ा होकर के इस देश को जमहूरियत को बचाने का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे, इसके डर से आप कोविड काल में ये तीनों कानून ले आए। जिस समय दुनिया कोरोना से लड़ रही थी आप तबलीगी जमात से लड़ रहे थे और चुपके से ये तीनों कानून ले आए, बिना संसद में कोई असंवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ले आए, और उसके बाद किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी, मुसलमान लड़ा तो उसको पाकिस्तानी कहते थे, दलित पिछड़ों को तुम लोग नक्सली कहते थे, आज किसानों को खालिस्तानी कह रहे हो। किसानी का सम्मान नहीं, जन आंदोलनों के चरित्र पर हमला। हमारी पीढ़ी के लोगों को सोचना है, लोकतंत्र बचेगा, इनकी सरकार गिर जाएगी, लेकिन अगर किसानी नहीं बचेगी तो फिर बचेगा क्या? केवल राम मंदिर, केवल घंटा बजाना। हमारे पुरखों ने हल चलाया, हथौड़ा चलाया, और हमारे हाथ में कलम पकड़ाई ताकि हम उनका मुस्तकबिल बदल सकें। आज हमारे हाथ से कलम छीन ली गई, नई शिक्षा नीति, स्कूल डिग्री कॉलेज सब बर्बाद, और हल पकड़ने अगर आप वापस जाएंगे तो हल भी नहीं बचेगा, क्योंकि वह हल किसी अंबानी और अडानी ने खरीद लिया होगा, वह खेत किसी अंबानी और अडानी का होगा, वहां एक पूस की रात का हल्कू किसान की बजाय मजदूर बनने पर आमादा होगा। इसलिए किसान आंदोलन इस भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय करने वाला है। किसानों का साथ दीजिए, एक सरकार बनती है कल गिर जाएगी, देश अगर गिर गया, लोकतांत्रिक भविष्य मिट गया, तो फिर आने वाली पीढ़ियां आपसे एक ही सवाल पूछेंगी, तुम्हारी आंख के सामने यह सब जब किया जा रहा था तो क्या कर रहे थे? कम से कम आंख में आंख डालकर बता सकें कि हम अपना भविष्य बचाने के लिए लड़ रहे थे।